नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इन खबर। अजय देवगन, रकुल प्रीत और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म रनवे 34 आखिर बहुत सारे बस के बाद 29 अप्रैल को रिलीज हो गई। लेकिन रिलीज के साथ ही देखा जाए तो ये फिल्म अब इन सभी अभिनेताओं और अभिनेत्री की जो भी महत्वाकांक्षाएं थी उन पर खरी नहीं उतरी। आपको बता दें, पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अजय देवगन की बाकी फिल्मों के हिसाब से काफी स्लो रहा और पहले दिन ये फिल्म महज 3.5 करोड़ रुपए की कमाई ही कर पाई। वैसे देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये फिल्म इस वीकेंड पर कुछ अच्छा कमा पाती है या फिर नहीं, क्योंकि इसके कंपटीशन में फिलहाल दो फिल्में काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही हैं, जिसमें कि पहली है टाइगर श्रॉफ और तारिया स्टारर फिल्म हीरोपंथी, जिसका पहले दिन का कलेक्शन काफी अच्छा रहा। वहीं बात की जाए साउथ सुपरस्टार की तो उसकी फिल्म आचार्य भी रिलीज हुई है 29 अप्रैल को, जो कि काफी अच्छी कमाई कर रही है। जिस वजह से ईद पर रिलीज होने के बावजूद भी अजय देवगन की ये फिल्म अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है। वैसे आपको बता दें कि कोरोना महामारी शुरू होने से ठीक पहले अजय देवगन की फिल्म आई थी तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिसने अच्छी खासी कमाई की थी, जिसके बाद कोरोना महामारी होने के बावजूद भी अक्षय कुमार की 3 फिल्में रिलीज हुई। सबसे पहली सूर्यवंशी, फिर रिलीज हुई गंगेबाई काठियावाड़ी और फिर रिलीज हुई आरआरआर, जिन्होंने बड़े पर्दे पर कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। लेकिन रनवे 34 इस रेस में काफी स्लो नजर आ रही है। वेल, अगर इसके रिव्यू की बात करें तो रिव्यू हम इंडिया न्यूज पर आपके लिए पहले ही दे चुके हैं। साथ ही साथ अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो अपना फीडबैक भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।